Hello everyone, salute to all of your parents and teachers. In this lecture, I will discuss question number 8th of exercise 7.2. So here our question is, show that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each. Question का meaning तो काफी easy है कि आपको एक equilateral triangle है, उसके जितने भी angles है, सबको आपको 60 degree proof करना है, कि सारे angles उसके 60 degree के होंगे. कैसे proof करेंगे, ध्यान से समझिए. देखिए, यहाँ पे मैंने एक equilateral triangle बना लिया है. सबसे पहले बात करेंगे कि equilateral triangle की property क्या होती है, कि उसकी सारी साइड्स इक्वल होती है. यही इसकी सबसे मेजर प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी ट्राइंगल जिसके सारी साइड्स इक्वल हो, उसे हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहेंगे. तो मैं लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. ओके, मैंने लेट कर लिया है. ओके, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट. मान लेता हूँ ट्राइंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्राइंगल है. देन इससे होगा क्या कि जो ए बी ये वाली साइड, बी सी ये वाली साइड और सी ए ये वाली साइड, तीनों इक्वल हो जाएंगी, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी है, हम लोग जानते हैं. ठीक है. अच्छा, आप लोग ये भी जानते हैं कि कोई भी दो साइड्स के इक्वल, अगर वो दोनों इक्वल हैं, कोई भी दो साइड्स और उनके अपोजिट के एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं. जैसे कि अगर मैं बात करूँ ए बी और ए सी, ये दोनों इक्वल हैं, तो ए बी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल सी, और ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी. तो ये दोनों कैसे हो गए, इक्वल हो गए. ओके, कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, प्रॉपर्टी है. और साथ में एंगल, अच्छा और भी तो इक्वल दे रखा है, बी सी और कौन कौन से, ये बी ए, ये दोनों साइड भी इक्वल है, तो एंगल ए भी इनके इक्वल हो जाएगा. मतलब लास्ट में तीनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे. ये खैर इक्वलेटरल की प्रॉपर्टी भी होती है कि यहाँ पे तीनों साइड्स भी इक्वल होते हैं और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं. तो मैं लिख सकता हूँ एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी. उसका रीजन भी दे देता हूं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, ये एक थ्योरम भी है, आपको याद होगा, इक्वल साइड्स आर इक्वल. ओके, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. अच्छा, अब आप हम लोग इसमें लाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी. क्या लाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी. देखिए, अगर मैं तीनों एंगल्स को ऐड कर दूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तो कितना होगा, 180 डिग्री. क्योंकि आप लोग जानते हैं ट्राइंगल्स के तीनों एंगल का सम हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री होता है. तो रीजन लिख दीजिए, एंगल सम प्रॉपर्टी. सबका हमें रीजन लिखना जरूरी होता है. हाँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 180 डिग्री. अच्छा, तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो मैं B को क्या लिख सकता हूँ, A लिख सकता हूँ. देखिए, B और C ये तीनों ही इक्वल है, तो B को मैं A लिख सकता हूँ, C को भी A लिख सकता हूँ. तो एंगल A प्लस B को क्या लिख दिया, एंगल A, और C को भी लिख दिया एंगल A, क्योंकि तीनों इक्वल है. 1, 2, 3, तो कितना हो गया, 3 एंगल A, तीनों ऐड हो रहे हैं इसलिए, इक्वल्स टू 180 डिग्री. एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 3 हो जाएगा. 3 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा. तो एंगल ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60 डिग्री. ओके, फर्स्ट एंगल आपके पास आ गया. और आप लोग जानते हैं, यहाँ पे आप लोगों ने देखा था इस लाइन में कि एंगल ए बी सी तीनों कैसे थे, इक्वल थे. तो देयर फोर आप कह सकते हैं एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी, तीनों एंगल कितने के हो गए, 60 डिग्री के हो गए. तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑल द एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑफ 60 डिग्री ईच. तो यहाँ पे आप इस क्वेश्चन को ऐसे प्रूव करेंगे. अब आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा. प्लीज शेयर दिस लेक्चर टू योर क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग. जय हिंद.